अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम सलाम। कहाँ से जाकर आ रहे हो बेटा? स्कूल से। स्कूल से क्या करने गए थे बेटा? स्कूल इंडिपेंडेंस डे आजादी का दिन 15 अगस्त। वाह 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 दादा, ये आजादी क्या होती है हमको बताओ ना। आप भी स्कूल गए थे दादा, जब ये क्या हुआ था दादा बताइए ना हमको। आप जाकर आए बेटा स्कूल? मैं सुबह की थी दादा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हमारे बरखुरदार ने क्या पूछे, आज़ादी क्या होती है ना? आप भी स्कूल गए थे क्या? पूछे, सुनाओ ना दादा, आपके टाइम क्या होता था? आपके टाइम क्या होता था? अभी तीनों सवाल का मैं जवाब देता हूँ। आज़ादी का मतलब है, अंग्रेज जब थे ना पहले, तो अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था भारत, और हर जात हर धर्म के लोगों ने कुर्बानियाँ दी जब आज़ाद हुआ भारत। समझे ना? समझ गया ना बेटा? जैसे आज़ादी का मतलब खुली हवा में सांस लेना है ना, कि भाई अभी किसकी गुलामी करनी की नहीं, पहले गुलामी थी, आज नहीं है बेटा, आज सब आज़ाद है। रहा सवाल हमारे ज़माने में जब आज़ाद हुआ था तो कोई मज़हब नहीं था, कोई जात और कोई भेदभाव नहीं था, ठीक है ना? जैसा ये है, ये है, नहीं था बेटा, है? और हम आपस में मिलकर ईद मनाते थे, दिवाली मनाते थे। लोग ईदों में उनके घर जाते थे, हम दिवाली में इनके घर जाते थे। ऐसी खुशहाल ज़िंदगी हमने जी है, बिल्कुल आज़ाद होकर हम लोग रहने के, एक दूसरे के घर लगे हुए रहने के। हम जब स्कूल जाते थे ना, जब हम छोटे थे, आपके जितने थे हमारे स्कूल में मास्टर, हमारे जैसे पहले रिकॉर्ड बजता था, अभी कैसे गाने बजते है ना, अभी गाने बजते कि नहीं आपके वहाँ पर भी? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, है ना? हमारा टाइम कैसा था? हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये गाना बहुत चलेगा हमारे से। और दूसरा, अये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। और एक गाना था बहुत, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। ये हमारे बचपन का था, और हमारे बचपन में हम यही करते थे। 15 अगस्त जैसा आया, झूम झूम कर गाओ, 15 अगस्त आया, हर साल मनाएंगे। शहीदों की कुर्बानियों का नतीजा था भारत आज़ाद, भारत देश आज़ाद था। ये सारी मुसीबतें झेलने के बाद ही भारत देश आज़ाद हुआ। मेहरबानी करके आप लोग आज़ादी को संभालो, ये बार बार मौका नहीं आता बेटा। बाहर के मुल्क वाले हमारे भारत देश में के किसी हिसाब से इनको लड़वाना झगड़वाना, समझे ना? तो ये बहुत चल रहा है आजकल का माहौल। अपन किसी के भी बहकावे में आना नहीं, मगर ये आज़ादी को बरकरार रखना है। पहले अंग्रेजों बहुत जुल्म करते थे इंडिया में, इंडियन आदमी को नहीं मानते थे, वो ऐसा मानते थे नीच जाति का ये, वो इसका बढ़ावा नहीं देते थे। आज हमको आज़ादी मिली, हर चीज़ में घूमना फिरना मिला, बस ये आज़ादी को तुम लोग बरकरार रखो, और कुछ नहीं है बेटा, ठीक है? और हर साल मनाओ, धूम से मनाओ, हर धर्म के लोगों से मिलो, हर जात के लोगों से मिलो, दिल में कोई भेदभाव नहीं रखने का। समझ गए बेटा आप? हाँ दादा। हाँ दादा। क्या समझे? तिरंगा हमारा दिल में, बात हमारे दिल में। शाबाश, आज़ादी को कभी खोना नहीं बेटा, ठीक है? जी दादा। चलो जाओ बेटा।
ओ बस 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 जाओ बेटा भी आप लोग खेलो। आज 15 अगस्त की 77वीं आज़ादी का जश्न हम झूम झूम कर गा गा कर मनाएंगे, हर बार मनाएंगे। शहीदों की कुर्बानियों का नतीजा है भारत देश हमारा। हर मज़हब के लोगों ने दी कुर्बानी, तब आज़ाद हुआ भारत देश हमारा। ये खून से सींची थी धरती, तब आज़ाद हुआ भारत देश हमारा। जय हिंद, जय भारत।